आपने कविता की ये पंक्तियाँ तो जरूर सुनी होंगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, अगर लोग मिलजुल कर कुछ भी करने की ठाने तो कोई भी काम पूरा हो सकता है, फिर चाहे वहाँ तक पहुँचने की राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मंडला के गुरवारा गांव की भी ऐसी ही कहानी है, जहाँ लोगों के पास ना अच्छी सड़कें हैं और ना ही बेहतर सुविधाएं। सरकार ने भी इन लोगों की कोई सुध नहीं ली। लंबे समय से गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क नहीं बनाई गई। लेकिन अब गांव के लोगों ने सरकार के भरोसे बैठना छोड़ दिया है, उन्होंने खुद ही गांव में एक बढ़िया सड़क बनाना शुरू कर दिया है। पूरा गांव श्रमदान कर ये सड़क बना रहा है। अब लोगों का यूं खुद ही श्रमदान करना सराहनीय पहल है, लेकिन उन्होंने ये कदम काफी तकलीफों के बाद उठाया है। कोई कहता है गांव में एम्बुलेंस नहीं आती, तो कोई बता रहा है कि पानी ले जाते समय महिलाएं गिर जाती हैं। सभी के सामने परेशानियों का अंबार खड़ा था, लेकिन ना सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया और ना ही प्रशासन ने। एम्बुलेंस की बात तो दूर है सर, यहाँ तो कोई मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं आ सकता, ऐसा बुरा स्थिति बना रहे हैं, लोग पहुंच जाएंगे। हम यहाँ ये रोड ऐसे बनाते हैं कि कम से कम एम्बुलेंस हमारे गांव के अंदर आ जाए, हम जो बीमार वाले हैं या गर्भवती महिलाएं उनको मेन रोड तक पहुंचा सकें, ऐसे हम इसलिए हम बना रहे हैं रोड को। ये गिट्टी मुर्रम कहाँ से ला रहे हैं और ये संसाधन कहाँ से इकट्ठे किए? ये संसाधन तो सर ये सब गाँव गैती फावड़ा है, जो अपने अपने घर से जो बाई हैं, जो फिर बुजुर्ग हैं, जो फिर जवान हैं, वो अपने अपने घर से लाए हैं। इसे हम कथन चलो रोड बनाए सब मिल के तो ही, यहाँ तो कोई नहीं आवे, सरपंच आए न सचिव आए न मैठ न मुंशी हुआ के कोई रेख देखा न कछ नहीं, तो हम खुद ही काम कर ले। बहू बेटी पानी खा जाते हैं, गिर जाते हैं, हंडी फोड़ देते हैं, गगरा फोड़ देते हैं, हम बहुत परेशानी है। गैये बच्चे लेते हैं तो हन खब जाते हैं, हुआ चार भाई न बुलाते हैं तो उठाए के हन ला लेते हैं, और हम जंगल जाबो ते खब नहीं है, पानी खा जाबो ते खब नहीं है, लड़का बच्चन ले स्कूल भेजबो। लोगों ने खुद सड़क बनाने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन जिले के कलेक्टर ने तो बस इस कदम को सराहनीय बताया, ना उन्होंने प्रशासन की बेरुखी पर कुछ बोला और ना ही सरकार की उदासीनता पर। देखिए ये जो गांव के लोगों ने सड़क मांगी थी, निश्चित ही ऑलरेडी वो पहले से उनकी जुड़ी हुई है, उनको जो सड़क चाहिए उस सड़क को बनाने की गाँव वालों ने खुद स्वप्रेरणा से काम शुरू किया है। निश्चित रूप से ये अनुकरणीय कदम है, स्वागत योग्य है, लोगों ने श्रमदान करके काम किया। मैं सबसे पहले बधाई इस बात की देता हूँ, उन्होंने खुद अपना एक मार्ग चुना है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम हर चीज़ के लिए सरकार की ओर नहीं देखते हैं, तो जनता का ये काम एक अनुकरणीय मैं मानता हूँ। मैं शीघ्र ही उन लोगों के साथ मिलूँगा और इसके बाबत पूरे गाँव वालों को धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि सब कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या उन गरीब परिवारों पर इतना बोझ डालना जायज है जो खुद अपना पेट काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मंडला से सईद जावेद अली की रिपोर्ट।